ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सैटर्न वक्री होने जा रहे हैं 24 मई 2021 को, और यहाँ पर ये 11-12 अक्टूबर 21 तक रहेंगे, क्योंकि जो पूरा टाइम पीरियड है शनि का, जब भी वक्री हो रहे हैं मकर राशि में, तो कैसे प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के ऊपर, आज इसी के बारे में बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखिएगा, तो आपको प्रभाव जो है काफी करीब तक सटीक पता चल पाएगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो अभी ग्रहों की स्थितियां हैं, क्योंकि गुरु भी 6 अप्रैल को निकल करके कुंभ में चले जाएंगे और शनि यहाँ पर अकेले आ जाएंगे मकर में, और मकर में ही वक्री स्थिति में आएंगे। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक उसका प्रभाव जो है उसमें एक वृद्धि आ जाता है, क्योंकि वो ग्रह जो होता है अपने उच्चता की ओर बढ़ना शुरू होता है, उसमें चेष्टा बल आ जाता है, तो वो प्रभाव अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा निर्भर करता है कि वो ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और कौन से भाव की लॉर्डशिप लेकर के बैठा हुआ है, कई चीजें वहां पे देखनी पड़ती हैं अलग अलग राशियों के लिए, इसलिए उसका प्रभाव भी अलग हो जाता है कि जहाँ पे वो योग कारक बन करके वक्री होगा वहां पे वो अपने प्रभाव को काफी अच्छे से देने का प्रयास करेगा, मजबूती से देने का प्रयास करेगा। और जिन लग्न राशियों में वो बहुत योग कारक नहीं होगा, नेगेटिव हाउसेस को लेकर के चल रहा होगा, और अगर उसकी कुंडली में भी प्लेसमेंट कोई त्रिक भाव में हो जाए, तो वहां पर जो उसका वक्रत्व का प्रभाव है वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ग्रह तो अपना प्रभाव देगा, ग्रह में जब मजबूती आएगी तो वो अपने रिजल्ट को स्ट्रांगली देगा, लेकिन वो जो प्रभाव होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होगा, ये निर्भर करता है कि पर्टिकुलर जो हॉरोस्कोप है वहां पर सैटर्न योग कारक है या नहीं है, इसका एक बहुत प्रभाव होता है। जैसे तुला वाले हैं और वृषभ वाले हैं, तो उनके लिए सैटर्न बहुत योग कारक है, तो अगर वो योग कारक होकर भी कहीं केंद्र में बैठ जाएगा, त्रिकोण में बैठ जाएगा, तो अपने परिणाम को वो बहुत अच्छा देने का प्रयास करेगा, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कंबाइंड रूप से कैसे प्रभाव देगा इसको मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप अपने लग्न राशि का आगे बढ़ा करके स्किप करके फिर देख लिया करिए। सबसे पहले मंगल मेष जो राशि है वहां पे सैटर्न का प्रभाव देखते हैं कि ये वक्री शनि क्या प्रभाव देगा। देखिए, जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग के लिए शनि वक्री होकर के आपके दशम भाव में ही बैठेंगे, मकर की राशि में ही बैठेंगे, और ये आपके लिए 10th हाउस और 11th का प्रभाव रिजल्ट देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों भावों के ये स्वामी ग्रह हैं और बैठे हुए हैं ये कर्म स्थान में। तो आप लोगों के साथ में एक संभावना ये बन सकती है कि शनि चूंकि यहाँ वक्री होंगे, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य भार जो आपका लोड है, काम का लोड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या वहां पे कुछ चेंजेस भी ये ला सकते हैं, क्योंकि ये वक्री स्थिति में जा रहे हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन करने का भी प्रयास करेंगे, उस चीजों में बदलाव लाने का भी प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की जो जॉब नहीं हो तो उनको जॉब मिलने के योग बन जाए, या उनके करियर में ग्रोथ हो जाए, उनकी इनकम में ग्रोथ हो जाए, इस तरह के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सैटर्न जब यहाँ पे वक्री हो रहे हैं तो कुछ लोगों को जॉब जाने के भी योग बन सकते हैं, दोनों ही प्रभाव दे पाएंगे, उससे आपकी जो कुंडली है उसे थोड़ा मैच करके देखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर वक्री स्थिति में सैटर्न बैठ के आपके द्वादश भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन से रिलेटेड चीजें हैं उसका भी आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, या कुछ लोगों के जॉब चेंजेस होकर के किसी दूसरी कंपनी में जाना, इस तरह की स्थितियां भी पैदा कर सकते हैं सैटर्न यहाँ बैठ करके। और साथ में ये भी संभावना बन सकती है कि चूंकि इनकी आस्पेक्ट जाएगी चौथे भाव के ऊपर, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित इवेंट्स, कोई जमीन लेना, एग्रीकल्चरल लैंड लेना, या मकान बनाने के लिए जो जमीन ली जाती है, उस तरह के कुछ इवेंट्स होना, प्रॉपर्टी में एक वृद्धि का भी योग देंगे, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए काफी अच्छे भाव के मालिक होकर के ये केंद्र भाव है दसम, और एकादश जो इनकम का भाव है उसके लॉर्ड होकर के दसम भाव में केंद्र स्थान में वक्री हो रहे हैं, तो काफी मजबूत स्थिति में ये रहेंगे। तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी दिलाने का भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ सैटर्न, इस वक्री सैटर्न की जो
टेंथ हाउस पे रहेगी वो आपके व्यापार के भाव पे, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के भाव पे भी रहेगी। तो इनका जो प्रभाव आएगा वो आपके व्यापार में किसी तरह के बदलाव को भी ला सकता है और आपके व्यापार में वृद्धि के भी संयोग निर्मित कर सकता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे सातवें भाव से संबंध बनाएंगे और यहाँ पर इनकी उच्च की दृष्टि जाएगी, तो ये आपके लिए आपके व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि शनि जब इस भाव को देखेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से अगर किसी तरह का कुछ मतभेद वगैरह भी रहा होगा तो उसको भी ये दूर करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में एक मजबूती देने का प्रयास करेंगे। वक्री सैटर्न जो यहाँ पर है काफी अच्छा प्रभाव है, तो आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। अब वृषभ लग्न और राशि वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए जो सैटर्न है वो आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव, 9 और 10 के लॉर्ड होकर के ये भाग्य भाव में ही बैठे हैं, वक्र स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों की लाइफ में जो ये इवेंट्स देने जा रहे हैं, ये हो सकता है कि जो आपका हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ फील्ड है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हो बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए कुछ इसमें सकारात्मक बदलाव हो सकता है। कि आपके कार्य को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, किसी भाग्यवश चीजें आपके सपोर्ट में चली जाए, इस तरह की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शनि यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो वक्री पेरेंट कुछ कार्मिक जो पेंडिंग कर्म रह जाते हैं उनको भी कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ आपके पिता से संबंधित कुछ घटनाएं इस पीरियड में आपको देखने को मिले, क्योंकि सैटर्न यहाँ आपके पिता के भाव में 9th भाव में भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्यवश आपके लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिले जो कि आपके लिए पॉजिटिव परिणाम भी दे सकता है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे अपने खुद के घर के हैं और यहाँ पर बैठ करके आपके इनकम के भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आपके आय को आय में भी वृद्धि देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा यही शनि जो है आपके थर्ड हाउस को भी दृष्टि डालेंगे, तो आपके प्रयासों में वृद्धि करेंगे। आपके जो सिब्लिंग्स वगैरह हैं उनकी लाइफ से संबंधित भी कुछ आपको इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ यही सैटर्न आपके जो आपका छठवां भाव है, नौकरी का भाव है, वहां पर देखेंगे उच्च की दृष्टि से। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को नए जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या कोई पहले से आपका कुछ डिजीज वगैरह चला रहा हो उसके खत्म होने के योग निर्मित हो जाए, कुछ नौकरी जैसी चीजें आपको देखने को मिले। क्योंकि शनि भाग्य भाव में बैठ करके आपके नौकरी के भाव के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, जो कि रोग का, रीढ़ का, शत्रु का भाव होता है, तो आप कुछ लोगों को नए जॉब भी मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी वगैरह आपकी पहले की रही हो वो दूर हो जाए, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए सैटर्न बना सकते हैं। तो शुक्र जो वृषभ वाले लोग हैं आपके लिए भी वक्र शनि का जो ट्रांजिट है वो काफी अच्छा है। इसके बाद मिथुन वालों की बात करते हैं, तो मिथुन लग्न राशि के लिए शनि 8th और 11th के लॉर्ड, 8th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा आप अपने पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी और भाग्य से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि सेकंड वक्री हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी चीजों में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट ये बन गया यहाँ पर और वक्री हो गया तो और मजबूत स्थिति में आ गया। और 8th भाव में चूंकि ये सेकंड का वक्र तो पीरियड निकलेगा, तो शनि आपके लिए भाग्य के मालिक होने के कारण योग कारक तो है, लेकिन 8th भाव का भी जो लॉर्डशिप है इनके पास है, तो इस तरीके से ये 8th भाव की चीजें भी देते हैं, तो कुछ अचानक बदलाव भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और वो बदलाव जो है, अगर आपका फील्ड किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़ा हुआ हो या किसी तरह की गूढ़ विद्याओं से जुड़ करके आपका कार्य हो, तो वहां पे ये आपको ये पॉजिटिव परिवर्तन भी दे सकते हैं, कुछ उछाल दे सकते हैं आपके करियर में, ग्रोथ में। कुछ लोग फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे हो, फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा यहाँ पर ये प्रयास करेंगे। यही सैटर्न आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो जो आपकी फैमिली है, धन से संबंधित जो इवेंट्स है वो भी आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि जाएगी, तो थोड़ा आप अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्र शनि है तो आपकी वाणी को ये तीखा करने का प्रयास करेगा। वाणी के प्रति आप केयरफुल होकर रहिएगा, परिवार में किसी से वाद विवाद ये सब चीजें नहीं करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि 4-5 महीने का टाइम है, लेकिन फिर भी सैटर्न के आसपास जा रहे हैं सेकंड हाउस में, तो ये चीजों को बिगाड़ने का भी कई बार काम करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। इसके साथ साथ सैटर्न आपके कर्म भाव को भी देखेंगे, तो जो आपका जॉब है, बिजनेस है, उसमें भी ये किसी तरह के परिवर्तन को ला सकते हैं, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह होकर के यहाँ पे आ रहे हैं, वक्र स्थिति में है, तो कुछ पेंडिंग चीजें होंगी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो उस तरह के भी रिजल्ट देंगे। इसके अलावा यही शनि आपके संतान पक्ष को देखेंगे, हालांकि ये 8th की ऊर्जा को लेकर के आपके
पंचम भाव से संबंध बनाएंगे, तो जो आपका संतान पक्ष है, चूंकि यहाँ पे इनके उच्च की दृष्टि जाएगी, तो आपके बच्चों से संबंधित कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, या कुछ उनसे संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं भी ये दे सकते हैं, क्योंकि ये संतान पक्ष से भी जो संबंध बनाएंगे उसमें कुछ भाग्यवश या कुछ जो पिछला कर्म का एक जुड़ाव है उसका भी प्रभाव दे सकते हैं। तो हो सकता है कि बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिले उनके जॉब करियर से रिलेटेड। और ये भी हो सकता है कि ये आपके जो ट्रेडिंग वगैरह से जो करके कार्य करते हैं उससे संबंधित कुछ आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। शनि आपके पांचवें भाव में वृद्धि देने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी ये भाग्येश भी है, तो भाग्येश का भी ये प्रभाव देंगे और पंचम से संबंध बना रहे हैं, तो बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती है। मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है, धन से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने पिता के स्वास्थ्य से संबंधित या पिता की लाइफ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा। फॉरेन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो एक चांसेस बन सकते हैं कि आप फॉरेन से संबंधित कोई एक्टिविटीज हो तो वो आप इस पीरियड में परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीजें निर्भर करेंगी कि आपके जो हॉरोस्कोप है वहां पे सैटर्न किस स्थिति में है, क्या वहां पे भी वक्री है, ये सारी चीजें थोड़ा देखनी पड़ेंगी। इसके बाद कर्क वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए जो सैटर्न है आपके सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेवेंथ हाउस में ही वक्री हो रहे हैं, तो पहला चीज तो आपको ये करना है कि जो आपके इन लॉज वगैरह हैं, जो आपका ससुराल पक्ष है, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिएगा, क्योंकि ये पेंडिंग प्लेनेट का प्रभाव देंगे, पेंडिंग जो आपके कर्मास हैं तो उनसे कोई वाद विवाद नहीं हो, कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो, उसका आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि सैटर्न अपने घर में वक्री हो रहे हैं सेवेंथ हाउस में, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं उसमें कुछ ये बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, या आपके कुछ ऐसा ये वातावरण निर्मित करेंगे कि जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके मन में ऐसे थॉट आएंगे कि उसका और विस्तार कर दें, उसको और बड़ा कर दें या कुछ चेंज कर दें, इस तरह की मनोवृत्ति आपकी बन सकती है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे कुछ बदलाव भी कर सकते हैं आपके संबंधों में भी और आपके व्यापार के क्षेत्र में भी, क्योंकि कुछ पेंडिंग कोई चीज रही होगी आपके साथ में भाव से संबंधित, उससे संबंधित परिणाम देने के लिए यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है तो उस भाव से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी वो एक उठा पटक करता है और उसके बाद फिर वो परिणाम देता है, जब वो मार्गी होता है तब उस समय उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये है कि ससुराल पक्ष से थोड़ा संबंध बना करके चलेगा, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका रिलेशन है उसके प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, हो सकता है व्यवसाय वगैरह में परिवर्तन के आपके योग बन जाए। या आपके भाग्य भाव को भी देखिएगा वक्री शनि, तो कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके पिता से जुड़ करके हो, भाग्य का, धर्म का, इन सारी चीजों का, कुछ धार्मिक यात्राएं हो जाए, एजुकेशनल ट्रिप हो जाए, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। लग्न को देखेगा तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक तरह का, क्योंकि ये कर्क की राशि को देखेगा सैटर्न यहाँ पर, तो थोड़ा सा व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ाहट या एक नेगेटिविटी भी आ सकती है, उसके प्रति आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। या आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इवेंट्स हो जाए आपकी फैमिली में, कुछ यहाँ पर ये उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ जमीन जायदाद खरीदना, कुछ व्हीकल वगैरह खरीदना, या परिवार में कुछ सामान आना, या आपकी मदर की लाइफ से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें हो जाए। सैटर्न चौथे भाव में एक मजबूती देने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी दसवीं दृष्टि अपने तुला की राशि पे जा रही है, तो जो सातवें भाव से संबंधित चीजें हैं उसमें आपको जरूर, सॉरी चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों में कुछ ना कुछ ये परिवर्तन लाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपको सैटर्न दिला सकता है यहाँ पर, इस तरह के योग बनेंगे, क्योंकि अभी गुरु भी जो है आ जाएंगे आपके अष्टमी 6 अप्रैल को, तो नौवीं दृष्टि से गुरु का भी प्रभाव जाएगा आपके चतुर्थ भाव पे, और सैटर्न भी यहाँ से संबंध बनाएंगे, तो हो सकता है ये दोनों ही प्लेनेट मिल करके आपको कहीं ना कहीं ये आपके लिए जमीन जायदाद कुछ खरीदवा सकते हैं जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, तो आप लोग अगर ऐसा कुछ विचार है तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न राशि वालों के लिए, आपके लिए सैटर्न छठे भाव और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहला काम आप करिएगा अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके जो साथ जो संबंध है उसके प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि वक्री स्थिति में आ रहे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी कुछ इवेंट्स करवा सकते हैं। हालांकि छठे भाव में वक्री हो रहे हैं तो कुछ आपका पहले से बीमारी वगैरह अगर चली आ रही हो, कुछ तकलीफें होंगी, स्वास्थ्य संबंधी चीजें होंगी, उसमें आपको रिलीफ देने का काम करेंगे,
क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आए हैं तो ये आपके रोगण शत्रु को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये क्रूर प्लेनेट है, इस प्लेनेट तो छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं और वक्री स्थिति में है तो आपके कुछ पहले की जो चीजें होंगी, तकलीफें होंगी, उसको भी ये दूर करने का प्रयास करेंगे। सैटर्न यहाँ बैठ करके जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की चीज है कि लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध और उसके हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यही सैटर्न आपके अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो तरह का विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी निर्मित करेंगे और यही द्वादश पे भी डालेंगे सातवीं दृष्टि। तो जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा कि कुछ खर्चे वगैरह भी सैटर्न करवा सकते हैं या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है छठे भाव में बैठ करके खर्च वाले भाव को देख रहे हैं तो वो खर्चे जो है या तो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है या आपके जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य संबंधित चीजों के ऊपर भी ये खर्च हो सकता है, क्योंकि खर्चे अवश्य होंगे इस पीरियड में। इसके बाद यही शनि यहाँ बैठ करके आपके थर्ड हाउस को भी देखेगा जो कि वहां पे तो लकी राशि है, उच्च की दृष्टि से देखेगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, जो आपके छोटे भाई बहन है उनकी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, इस तरह का प्रभाव सैटर्न देने का प्रयास करेगा। थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट होगा तो नौकरी से संबंधित कुछ लोग जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है या कुछ जॉब्स रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं। और सैटर्न चूंकि छठवें भाव में आए हैं तो छठवां भाव रोग शत्रु का भी होता है, तो हो सकता है जो लोग नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो तो कहीं उनको नौकरी मिलना या उनके सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सैटर्न चूंकि वक्री होकर के छठवें भाव में बैठेंगे तो ये आपको कुछ चीजें भी देने का प्रयास करेंगे, भले वो थोड़े चेंजेस के बाद ही दें। और ये सारी स्थितियां निर्मित करके जब ये मार्गी होंगे तो हो सकता है कि उस समय पे आपको कुछ जॉब जैसी स्थिति देखने को मिले। ओवरऑल ये है कि आपको रोग वगैरह कुछ पेंडिंग बीमारियां वगैरह होंगी, कर्जे होंगे या किसी तरह का किसी से वाद विवाद शत्रुता वगैरह होगा तो उसको खत्म करने का काम करेंगे ये सैटर्न। अच्छा है आप लोगों के लिए भी ट्रांजिट। इसके बाद कन्या लग्न राशि वालों के लिए बात करते हैं। आपके लिए सैटर्न आपके छठे भाव और पंचम भाव के मालिक होकर के पांचवें भाव में ही वक्री हो रहे हैं, तो शनि का पंचम भाव में ही वक्री होना जो आपका संतान पक्ष है उससे संबंधित कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। तो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा, बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है उसका ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि चूंकि नौकरी के मालिक होकर के जा रहे हैं आपके पंचम भाव में तो कुछ लोगों के जॉब में चेंजेस के भी योग बनाएंगे सैटर्न। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं उसमें एक बदलाव देखने को आपको मिले, ये सैटर्न ये चीज करवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स दे सकते हैं आपको, बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है उसको थोड़ा तालमेल करके चलिएगा। ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ा हुआ अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा उसको सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि ये आपके कुछ पिछली चीजों का भी हिसाब किताब करेंगे। तो ये भी संभावना बन सकती है कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न सपोर्टिंग होंगे, अच्छी जगह पे बैठे हुए होंगे कहीं केंद्र त्रिकोण में, तो ये आपके लिए धन लाभ भी करवा सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ से ये इनकम के भाव को देखेंगे तो जो आपके बड़े भाई बहन है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उनसे संबंधित कुछ घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ हो सकता है इनकम में आपकी वृद्धि हो, इस तरह की स्थितियां निर्मित करेंगे। लेकिन ये सेकंड चूंकि पंचम भाव में बैठे हैं और आपके सेवंथ हाउस को भी देखेंगे जो कि आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का भाव है, वक्री शनि यहाँ बैठ करके गुरु के घर को देखेगा तो जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है उसके प्रति आपको थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि संबंधों को कई बार ये बिगाड़ने का भी काम करते हैं। और ये पेंडिंग कर्मा को सेटल करने के लिए वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं आप संबंधों में कुछ तनाव भी दे सकते हैं या कुछ बिगड़े हुए आपके काम रहे होंगे बिजनेस से संबंधित या लाइफ पार्टनर से संबंधित, तो उसको ये सेटल भी कर सकते हैं जब ये मार्गी की स्थिति में जाएंगे। इसके अलावा सैटर्न आपके सेकेंड हाउस से संबंध बनाएंगे तो ये यहाँ पे इनकी अच्छी शुभता वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि अपने द्वितीय भाव को देखेंगे और उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है धन प्राप्ति के योग निर्मित हो, कुटुंब में किसी तरह का वृद्धि कराने का काम करें, कुछ ना कुछ ये आपको गेन करवा सकते हैं। धन से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। सेकंड का जो वक्री शनि आपके सेकंड हाउस से संबंध बना रहा है तो कुछ व्हीकल, कुछ ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीजें परचेज करना या कुछ धन के प्राप्ति के योग निर्मित होना या फैमिली में किसी का आना, किसी नए मेंबर का आना, मतलब कुछ ना कुछ इसमें वृद्धि जरूर करवाएंगे, द्वितीय भाव आपका मजबूत करेंगे। थोड़ा सा जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को संभालना है और साथ में कुछ लोगों की जॉब वगैरह चेंज करने का मूड बन सकता है। बच्चों के साथ संबंध का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इस तरीके से मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए जो वक्री शनि है अपना एक मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि ये ट्रांजिट का सैटर्न है और वक्री हुआ है, तो कैसे प्रभाव देगा ये काफी कुछ निर्भर करेगा आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, क्या शनि आपके नॉर्मल ढंग से बैठे हुए हैं या वो वहां पे भी वक्री हैं, तो उससे प्रभाव कुछ चेंज हो सकता है। अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न वक्री होंगे और यहाँ पर भी वक्री आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके कुछ पुराने जो रुके हुए काम हो उनको कंप्लीट करा दें। और दूसरा ये रहेगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं होंगे और ट्रांजिट में वक्री आए हैं, स्थिति में आए हैं, तो जब ये मार्गी होंगे तब आपको उस भाव से संबंधित परिणामों को देंगे। इस तरह से आप उसको कंबाइन करके इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि जो वक्री शनि का प्रभाव है कैसे अपना प्रभाव देगा, इसका क्या रिजल्ट मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी आपको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे इनको भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।